टी20 वर्ल्ड कप तो भारत ने जीत लिया, लेकिन रोहित शर्मा के संन्यास के बाद भारतीय टीम का अगला कप्तान कौन होगा? यह सवाल सभी के माइंड में चल रहा है। टी20 में टीम इंडिया की कप्तानी के लिए काफी सारे विकल्प हैं। हम आपको बताते हैं कि भारतीय टीम का अगला कप्तान किसे बनाया जा सकता है। नंबर 3, शुभमन गिल। भारतीय टी20 टीम से रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने एक साथ संन्यास लिया, इसी वजह से शुभमन गिल के लिए जगह खाली हो गई है और उनका टीम में चयन हो सकता है। शुभमन गिल भी कप्तानी के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। वो काफी शांत स्वभाव वाले खिलाड़ी है और उनके पास कप्तानी का एक्सपीरियंस भी है। वहीं उनकी बल्लेबाजी पर भी कोई सवालिया निशान नहीं है। वो अकेले दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं, इसी वजह से वो एक बेहतर विकल्प है। नंबर 2, ऋषभ पंत। भारतीय टीम की कप्तानी के लिए ऋषभ पंत भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि उनके पास IPL में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी का अनुभव है। इसके अलावा वो एक विकेट कीपर है और विकेट के पीछे रहते हुए काफी अच्छी तरह से गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर वो गेंदबाजों को टिप्स देते हुए नजर आते हैं। उनके पास वो काबिलियत है और इसी वजह से कप्तानी के लिए वो भी दावेदार है। नंबर 1, हार्दिक पांड्या। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद भारतीय टीम का कप्तान बनने की रेस में हार्दिक पांड्या सबसे आगे है। उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी भारतीय टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया था और इसी वजह से उनके ही भारत का अगला कप्तान बनने की उम्मीद है। हार्दिक पांड्या ने कप्तान के तौर पर IPL में गुजरात टाइटन्स को चैंपियन बनाया था और इसी वजह से उनकी दावेदारी और भी मजबूत हो जाती है। वो कई सालों से भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं और इसी वजह से कप्तानी के लिए सबसे बेहतर विकल्प होंगे। दोस्तों, कमेंट करके बताना कि भारतीय टीम का अगला कप्तान कौन होगा। धन्यवाद।